खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ यानी कि ओलंपिक्स के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेलों के इस इवेंट की शुरुआत 26 जुलाई से होगी। ये गेम्स 11 अगस्त 2024 तक चलेंगे, जिसमें 206 देशों के करीब 10,500 एथलीट्स उतरेंगे। इनके बीच 32 खेलों के 329 इवेंट्स में मुकाबला होगा। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय दल इन खेलों की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसमें भारत के 117 एथलीट अलग अलग खेलों में मेडल के लिए अपने हाथ आजमाएंगे। इस बार का ओलंपिक काफी अलग है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इस बार क्या कुछ नया होने वाला है। 2024 पेरिस ओलंपिक न सिर्फ खास होगा बल्कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी बेहद स्पेशल होगी। 2024 पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी सीन नदी पर होगी। हजारों एथलीट्स नाव में सवार होकर आइफिल टावर की तरफ जाएंगे। इस ऐतिहासिक ओपनिंग सेरेमनी को देखने के लिए नदी के दोनों तरफ बेंच लगाए जाएंगे। फैंस वहीं बैठकर इवेंट का मजा उठा सकते हैं। करीब 3 लाख फैंस के आने की उम्मीद है। इससे पहले तक ओपनिंग सेरेमनी किसी विशाल मैदान या फिर स्टेडियम में हुआ करती थी, लेकिन पहली बार ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन नदी पर होगा। इस बार ओलंपिक में 4 ऐसे गेम्स हैं जो कि नए हैं। इसमें ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांसिंग डेब्यू करेगा, जबकि स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग भी ओलंपिक में शामिल हुए हैं। इन्हें टोक्यो में पहली बार शामिल किया गया था। हालांकि इस बार कुछ गेम्स ओलंपिक का हिस्सा नहीं भी होंगे। कराटे, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जैसे खेल टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा थे, लेकिन इस बार इन्हें हटा दिया गया है। कैनोइंग में 2 स्लैलम की जगह 2 स्प्रिंट इवेंट शामिल किए गए हैं। सेलिंग में 2 नई कैटेगरीज जोड़ी गई हैं। इस बार 3 नए मिक्स्ड इवेंट भी शामिल किए गए हैं। एथलेटिक्स में 35 किलोमीटर वॉकिंग मिक्स्ड रिले, शूटिंग में स्कीट मिक्स्ड टीम इवेंट और सेलिंग में मिक्स्ड डिंगी। इन ओलंपिक गेम्स में 206 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि 2 देश ऐसे हैं जिन्हें पेरिस ओलंपिक में अपनी टीम भेजने की इजाजत नहीं दी गई है। रूस और बेलारूस, दोनों ही देशों की टीमें पेरिस ओलंपिक में नजर नहीं आएंगी। रूस को यूक्रेन पर हमले की वजह से और बेलारूस को रूस का समर्थन करने की वजह से पेरिस ओलंपिक से दूर रखा गया है। रूस हमेशा से मेडल्स टैली में टॉप 10 देशों में शामिल रहा है, लेकिन इस बार रूसी खिलाड़ियों को युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। पेरिस की एक लग्जरी ज्वेलरी फर्म ने गेम्स के लिए 5,084 मेडल बनाए हैं। हर मेडल में आइफिल टावर की 18 ग्राम मेडल भी लगाया गया है। मेडल पर ग्रीक देवी नाइकी, 1896 में पहले ओलंपिक की मेजबानी करने वाले स्टेडियम और आइफिल टावर बनाए गए हैं। इन मेडल का वजन 455 से 529 ग्राम तक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 257 मेंबर्स वाले भारतीय दल का ऐलान किया है। भारत के 117 खिलाड़ी पेरिस में हिस्सा लेंगे। 140 का सपोर्ट स्टाफ होगा। पिछले ओलंपिक यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 119 सदस्यों का दल भेजा था। इस ओलंपिक में भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा 7 मेडल अपने नाम का इतिहास रचा था। इस बार कोशिश पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने की होगी। एक बार फिर सबकी निगाहें टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पर टिकी होगी। ये नाम हर इवेंट में भारत के लिए मेडल की गारंटी बन चुका है। गोल्डन बॉय से एक बार फिर से पीला तमगा लाने की उम्मीदें हैं। वहीं वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, बैडमिंटन की स्टार इंडियन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी को मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। इनके अलावा स्टार शटलर पीवी सिंधु को लगातार 3री बार ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने का दावेदार माना जा रहा है, जबकि स्टार बॉक्सर निखत सरीन, लवलीना बोरगोहेन, पंजाब की युवा शूटर सिप्त कौर समरा, निशानेबाजी में मनु भाकर, रेसलर अंतिम मंगाल जैसे युवा एथलीट से भी भारत को मेडल की उम्मीदें हैं। भारत को बाला फेंक, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी और बॉक्सिंग में पदक की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में जीता था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुटे खिलाड़ियों से ऑनलाइन बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया था। तो आप भी तैयार हो जाइए 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों का मजा लेने के लिए। आपके लिए स्टोरी को तैयार किया था हमारे साथी मंचकार अमन ने। कि स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।